हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम गूगल क्रोम में कैशे को क्लियर करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करता है हमारी। जैसे कोई भी वेबसाइट से कोई भी बेसिक कैशे डिटेल है वो हमारे गूगल क्रोम के कैशे में सेव हो जाती है, तो कभी कभी वो वेबसाइट्स में रन करने में इशू आता है या कोई ऐसा पेज जो बार बार ओपन होता है तो वो कैशे की वजह से होता है, बहुत सारी क्वेरीज कैशे की वजह से सॉल्व हो जाती है। कुछ डेटा कैसे में ऑलरेडी सेव होता है, तो जब भी हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं मल्टीपल टाइम तो उसका कुछ बेसिक कंटेंट वो आपके कैसे में जाके सेव हो जाता है और फिर वो ओपन करने में इशू क्रिएट करता है। तो हमें कैसे गूगल क्रोम की कैसे को हटाना है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सिंपली गूगल क्रोम कैसे करेंगे हम लोग, तो सिंपली यहाँ पे सिर्फ डिटेल आ जाती है, मगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आपने जैसे ये गूगल क्रोम का टैब ओपन हो रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हिस्ट्री में जाएंगे, थ्री डॉट के बाद हिस्ट्री के बाद में यहाँ हिस्ट्री पे सेलेक्ट कर देंगे। हिस्ट्री पे गए, हिस्ट्री सेलेक्ट की, अब लेफ्ट साइड में यहाँ पे हो जाएगा क्लियर ब्राउजर डेटा। ये कैसे होता है बेसिकली, अब इसमें टाइम रेंज है। टाइम रेंज में क्या होता है कि आपको लास्ट आवर्स की सिर्फ कैसे डिलीट करने हैं, आपको कुकीज़, अदर साइट्स एंड ब्राउजर हिस्ट्री, क्या कैसे इमेज एंड फाइल, ये आपको इसमें कस्टमाइज कर सकते हो कि लास्ट 24 आवर्स का करना है आपको या 7 डेज़ का करना है आपको या 4 वीक का करना है या आपको ऑल टाइम का करना है जब से ये ब्राउज़र इंस्टॉल है। तो ऑल टाइम का करना है तो यहाँ पे ऑल टाइम सेलेक्ट करके और ये सारे चीज़ टैब। अब इसमें आपको ये ध्यान देने कि इसमें सिर्फ यही चीज़ फाइल रिमूव होगी, अगर आपको इसमें कुछ पासवर्ड्स हैं वो भी आपको रिमूव करना, तो एडवांस में जाके यहाँ पे और भी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड एंड पास की हो गया, ऑटो फिल डेटा हो गया, जैसे बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो किसी वेबसाइट पर आप ओपन करते साइन अप करते टाइम पे तो वो ऑटो क्लिक करते ही ऑटो फिल का ऑप्शन आ जाता है, साइट सेटिंग हो गया, होस्ट ऐप एंड डेटा हो गया। तो यहाँ पे एडवांस में जाके आपको ये फीचर्स अवेलेबल रहेंगे, बट आपको बेसिक बेसिक करना है क्योंकि अगर आप एडवांस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डेटा वहाँ से रिमूव करने जा रहे हैं। तो बेसिक में जाएंगे, जब भी आपको कंप्लीट हिस्ट्री कैसे जुड़ानी है तो ऑल टाइम्स में जाएंगे और क्लियर डेटा कर देंगे। अभी क्लियर डेटा हो रहा है, होने के बाद में ये क्लियर डेटा हो चुका है, आपको चेक करना है वापस। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई हिस्ट्री आपको दिखाई नहीं देगी, रिसेंट टैब, क्लोज, नो टैब, अदर डिवाइस, कोई भी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। देखना सारी हिस्ट्री जा चुकी है, तो कंप्लीट जब से आपने इसे इंस्टॉल किया जब से ही इसकी हिस्ट्री सारी डिटेल्स इसमें डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से हम गूगल क्रोम को कैशे को रिमूव करते हैं। थैंक यू गाइस।